8,85,000 का डिस्काउंट है। रेडी टू मूव इन घर भी है मैम, इमीडिएटली आप चाहें तो इमीडिएटली शिफ्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छी लोकेशन है, छठा मिल से आप जैसे ही थोड़ा सा अंदर आ जाओगे आपको लोकेशन मिल जाएगी। ये आप देख सकते हो काफी स्पेशियस मॉड्यूलर किचन है। जल्दी जल्दी व्यूअर्स आए, पूरा पहले तो शिल्पी मैम का इनफैक्ट पूरा वीडियो देखिए। कुछ लोग होते हैं मैम खाली नंबर देखा तुरंत फोन कर दिया, पूरा वीडियो देखिए समझ में आ जाएगा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपली शिल्पी। मैं हूँ शिल्पी और आज मैं आ गई हूँ फिर से आपके फेवरेट संजय जी के साथ आपको कुछ अच्छा दिखाने के लिए। हेलो संजय जी, कैसे हैं शिल्पी मैम? आज आप ही बताइए आप क्या दिखाने वाले हैं। नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। पहले तो वेलकम करते हैं शिल्पी मैम का व्यूअर्स, और आज जो प्रोजेक्ट पे हम हैं उसका नाम है शिव रेजिडेंसी, और छठा मील से 800 मीटर की दूरी पे है। कोई ज्यादा डिस्टेंस नहीं है मैम, आप भी ट्रैवल करके आए हो। बिल्कुल, बहुत अच्छी लोकेशन है छठा मील से, आप जैसे ही थोड़ा सा अंदर आ जाओगे आपको लोकेशन मिल जाएगी। एंड आसपास इतने लोग हैं, मतलब आप तुरंत ही रहो, इमीडिएट रहिए। हाँ, इमीडिएट शिफ्टिंग है, बल्कि हमारे पास रेडी टू मूव इन घर भी है मैम, इमीडिएटली आप चाहें तो इमीडिएटली शिफ्ट कर सकते हैं। और इस समय ऑफर प्राइस भी बहुत अच्छा है, जो कि हमारी आपकी बात हो रही थी और आप भी काफी एक्साइटेड थे। समर ऑफर, मैम ने बिल्कुल सही बोला है, समर ऑफर है। और इनफैक्ट कॉलोनी के आसपास अगर देखा जाए तो स्कूल्स, कॉलेजेस, मैनेजमेंट कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, मार्केट प्लेस, सभी कुछ है मैम, सब कुछ है। जो कुछ होना चाहिए वो आसपास सब कुछ है आपके, और अच्छे मिडिल क्लास फैमिलीज आसपास रह रही हैं। चलिए नए लोगों के लिए बता दीजिए यहाँ देने के हवाले हैं और क्या क्या रहने वाले। हाँ, नए लोगों के लिए हम 20 विला का सेटअप बना रहे हैं मैम। 20 विला में 800 स्क्वायर फीट है, 843 है, 1000 है, 1100 है, 1655 है और 900 स्क्वायर फीट है। तो ऑलमोस्ट आप मानिए हर तरीके की वैरायटी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। कई बार ऐसा होता है मैम कि आदमी कहता है कि मेरा बजट इतना है, तो उसको उस हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है। अब हमने 1000 स्क्वायर फीट बताया, बजट 800 का है, तो 800 भी यहाँ मिल जाएगा, 917, 918, 919, 920, मतलब वेरियस हाउसेज। जैसे कि आप मुझे कहते हो अगर ये बताने लगोगे तो पूरी शाम हो जाएगी, तो ये आप डिस्क्रिप्शन पे देखिएगा, मैम का डिस्क्रिप्शन होगा, तो शिल्पी मैम हर चीज बताएंगी। अब मैम एक विला आपको दिखाते हैं जो हम लोगों ने तैयार किया है। देखिए बहुत सुंदर बना हुआ है, यूरोपियन पैटर्न पे काफी खूबसूरत बना हुआ है, दूसरे पे काम चल रहा है एंड लेवलिंग शुरू है। जल्दी से आपको और भी यहाँ तेजी से जैसे जैसे बुकिंग होगी काम आपको दिख जाएगा। बिल्कुल, शिव रेजिडेंसी नाम है, गेटेड सोसाइटी है। रोड कितनी चौड़ी मिलने वाली है? ये 22 फीट की रोड है, 22 फीट की आपको फ्रंट रोड मिलने वाली है। गेट से एंट्री करेंगे आपको ये 22 फीट एंटर, वो भी 22 फीट है ना दोनों तरफ, मतलब आपको 22 फीट की रोड है और एंट्री फीट, हाँ 22 फीट नाली छोड़ के 22 फीट की आपको रोड है। जी जी, और आप ये देख सकते हैं मूर्ति अभी टेम्परेरीली लगा दी है, अभी टेम्परेरी है, एक छोटी मूर्ति लगा दी है, नहीं तो वो छोटी लगा के चले गए हैं, तो अभी यहाँ पे बड़ी मूर्ति लग जाएगी। जी जी जी, और देख सकते हैं यहाँ पे ये सब चीजें चालू हो गई है। और ये विला आप देखिए कितना खूबसूरत है बाहर से देखिए, एंड ये कितने स्क्वायर? 1042 है मैम, 1042। 21 इसका फ्रंट है, 52 इसकी डेप्थ। चलिए तो हम लोग अंदर से दिखाते हैं, 1000 स्क्वायर फीट का डुप्लेक्स 3 BHK का विला है। जी आइए, ये पोर्च एरिया आप देख सकते हो, मोरक्कन टाइल्स लगी हुई है पूरी। जी जी जी, एंड काफी सुंदर इसका डिजाइन वगैरह बना हुआ है। दो एंट्री मिलती है, डिफरेंट है, एक एंट्री आपको इस तरफ से मिलती है, इस तरफ से आपको हॉल की एंट्री सेपरेट मिल जाती है। जी जी जी, आइए। अभी मैम हम लोगों ने इसको टेम्पररी साइट ऑफिस बनाया हुआ है, अभी ये साइट ऑफिस चल रहा है, आप लोग आएंगे भी विजिट करने तो आपको यही संजय जी और ऑफिस के लोग मिल जाएंगे। यही मिलेंगे। और उसके बाद ये मतलब ये सोल्ड आउट है ना, ये वाला ये सोल्ड आउट है। इसके बगल वाला रेडी हो जाएगा, रेडी टू मूव चाहिए तो वो भी तुरंत आपको मिल जाएगा। ये देख सकते हो आप, डबल डोर के साथ ही आपको मिलने वाला है। ये आपका हॉल है, लिविंग स्पेस, एक तरफ की वॉल आपको वॉल पेपर लगा के मिल रही है, फॉल सीलिंग आपको मिल रही है, डिजाइन आप देख सकते हो घर का। आइए, इस पे रास्चर पेंट है मैम, नेरोलैक का बड़ा स्पेशल क्वालिटी का पेंट है। रास्चर पेंट है इस पे पूरे पे, और ये 2x4 की टाइल्स हैं, थोड़ा सा बड़ा इनका सेटअप अच्छा लगता है। हाँ, देखने में अच्छा फ्लोर और टाइल्स भी काफी अच्छी लग रही हैं। ये किचन एरिया है आपका, ये किचन एरिया है, और ये आपका अभी तो फिलहाल हमने डाइनिंग एरिया को एज अ अकाउंट्स ऑफिस बनाया हुआ है, ये डाइनिंग एरिया है। आई पे 6 सीटर क्या 8 सीटर भी टेबल आ जाएगी, बड़े आराम से आ जाएगी। आप मिडिल में भी रख सकते हो, साइड में भी रख सकते हैं, एंड इस तरफ भी आपको ये सेकंड एंट्री वाला डोर आपको इस तरफ मिल जाता है किचन से। जी, एंड ये आप देख सकते हो काफी स्पेशियस मॉड्यूलर किचन है, मॉड्यूलर किचन आपको मिलती है विद चिमनी मिल जाएगी, सनफ्लेम की चिमनी के साथ आपको ये पूरी किचन मिलने वाली है।
इस तरफ फ्रिज रखने के लिए स्पेस मिलता है, इधर फ्रिज का स्पेस, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। किचन में समझ नहीं आता ना, काफी सारे घरों फ्रिज कहाँ रखें, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, तो फ्रिज की स्पेस आपको अच्छी मिल जाती है। ये आपका ओटीएस है, ओटीएस से अटैच यहाँ पे आपको वॉशरूम मिल जाएगा। बट लाइट खोलता हूँ तो आपको और क्लियर हो जाएगा। इसमें मैम हमने सारी फिटिंग्स जो है वो सेरा की दी हुई है। सेरा ये आपका कॉमन बाथरूम है, यस। ये आपके दो बेडरूम्स हो गए, उसके साथ अटैच बाथ है। मास्टर बेडरूम के साथ आपको अटैच बाथरूम मिल जाता है। और इधर हमने आपको पीओपी कर दिया, यस। इधर हमने आपको प्लस माइनस पीओपी कर दिया है, प्लस माइनस पीओपी कर, जी जी। ये ओटीएस हो गया मैम, देखिए स्पेस काफी है ओटीएस के लिए। हाँ, ओटीएस के लिए भी अच्छा स्पेस है। वेंटिलेशन के लिए विंडो है जो आपके बेडरूम में खुलती है, मतलब एक रूम में आप ओटीएस के साथ आपको डोर मिलता है, सेकंड रूम में आपको विंडो मिल जाती है, बिल्कुल मिल जाती है। तो वेंटिलेशन आपको पीछे के बेडरूम में जैसा कंसर्न रहता है ना कि वेंटिलेशन नहीं है, तो वो चीज आपको मिलने वाली, वो प्रॉपर मिल जाएगी। इस पे हम लोगों ने कोशिश करा है एज अ एक्स्ट्रा रूम या स्टोर जो यूटिलाइज करना चाहे आप, स्टोर रूम, ड्रेसिंग रूम, कुछ भी बना सकते, कुछ भी बना सकते हैं, यस यस, पूजा रूम बना सकते हैं, यस यस। तो ये सब नीचे का स्ट्रक्चर है मैम। दो बेडरूम हो गए, दो बाथरूम हो गए, ड्राइंग रूम सेपरेट हो गया, डाइनिंग एरिया अलग हो गया, किचन अलग हो गया। ये ग्रेनाइट की स्टेप्स है, स्टेनलेस स्टील की रेलिंग है, डब्ल्यूपीसी की पार्टीशन है मैम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टीशन मानी जाती है बिकॉज ये आर्किटेक्ट के द्वारा डिजाइन होती है। अब यहाँ से आप लुक देखिए, इस तरफ छत है एंड ये बालकनी है। ये बालकनी पहले दिखाते हैं आपको, ये बालकनी आप देख सकते हो एंड पूरा बाहर का लोकेशन हाँ। देख सकते हो, ये देख सकते हैं आप, ये कास्ट आयरन की मोल्डिंग है मैम। ये जितने भी आप ग्रिल्स देख रहे हैं दे आर ऑल फ्रॉम दिल्ली, स्पेशली दिल्ली से बनवा रहे हैं, कास्ट आयरन की मोल्डिंग है। और ये विंटेज लाइट्स हैं शिल्पी मैम, एक लाइट की कॉस्ट 6600 है। लाइट सारी विंटेज लाइट्स लगाई गई हैं, बहुत खूबसूरत। ये विंटेज लाइट्स हैं, ये बालकनी है और इसके साथ ये एक्स्ट्रा स्पेस है जो आप थर्ड बेडरूम की तरफ मूव करते हैं। तो ये ऊपर का थर्ड बेडरूम है, इसके साथ भी आपको बालकनी मिल जाती है एंड वॉशरूम अटैच मिल जाता है। एक्चुअली ये मेन डोर अभी थोड़ा सा बंद है तो हम लोग यहाँ से ले रहे हैं, हम लोग विंडो से बोल रहे हैं, मेन डोर की चाबी अभी नीचे रखी है। आइए, तो ये वॉशरूम मिल जाता है एंड छत मिल जाती है और ये अब आपकी छत आ गई फाइनली। चलिए संजय जी, घर तो देख लिया, विला देखा, सबको पसंद आया होगा क्योंकि हमें तो बहुत पसंद है ये विला। ये बताइए रेट एंड चैनल के लोगों के लिए या जो भी ऑफर है आपका। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। देखिए ऐसा था मैम, हम लोगों ने स्टार्ट किया था 5500 रुपये स्क्वायर फीट पे। अगर पुराना वीडियो आपका देखा जाए हाँ। तो 5500 रुपये स्क्वायर फीट था, सेम घर 57,31,000 का था, लेकिन क्योंकि अभी ऑफर प्राइस में है हम लोग और समर ऑफर है जैसे आपने बताया, तो इस वक्त इसकी जो कॉस्ट है वो 48,45,300 है, करीब 8,85,000 रुपये का रिबेट है। काफ़ी अच्छा डिस्काउंट है, 8,85,000 का डिस्काउंट है विला पे, लेकिन ये फर्स्ट 5 विलास तक रखा है मैम। फर्स्ट फाइव बुकिंग के लिए है। इसके अलावा हम 7 बुकिंग्स पहले कर चुके हैं पुराने रेट पे, तो ये ऑफर प्राइस खाली फर्स्ट 5 विलास के लिए होगा। तो मैं तो यही चाहूँगा जल्दी जल्दी व्यूअर्स आए, पूरा पहले तो शिल्पी मैम का इनफैक्ट पूरा वीडियो देखिए। कुछ लोग होते हैं मैम खाली नंबर देखा तुरंत फ़ोन कर दिया, पूरा वीडियो देखिए समझ में आ जाएगा, उसके बाद फिर शेयर करिए। नंबर्स जो आपको स्क्रीन पे दिए हैं वो हमारे सेल्स टीम के नंबर्स हैं, वो आपको अटेंड करेंगे, विजिट प्लान करेंगे और विजिट कराएंगे। विजिट करिए, कोई ऐसी दूर और यहाँ पर साइट मैनेजर्स हैं, बिजनेस मैनेजर्स हैं, वो आपसे बात करेंगे, मैं मिलूंगा आपसे पर्सनली और सारी बातें होंगी। और लेकिन जल्दी करना पड़ेगा, बैंक लोन का जहाँ तक सवाल है मैम हो जाना है बहुत आराम से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है तो बैंक आपको कम से कम 80-85% तक आराम से लोन कर रहा है, तो थोड़ा बहुत डाउन पेमेंट जो भी लगेगा लगेगा, तभी मेरे आपकी पंच लाइन कहती है कि 13,00,000 रुपए दे के आप ये घर ले सकते हो। वेरी सिंपल है, बाकी का आपका बैंक लोन हो जाएगा। तो 13,00,000 देकर मात्र आप ये विला बुक कर सकते हैं, बाकी का आपका जो बैलेंस है वो लोन हो जाएगा। इजी लोन आप बहुत कर सकते हैं क्योंकि अभी रेट इन्होंने काफ़ी कम कर दिया है, ऑफर प्राइस में आपको ये विला मिलने वाला है। तो ज़्यादा डिटेल के लिए कॉन्टेक्ट नंबर स्क्रीन पर है, कॉल करिए, आइए एक बार विजिट करके ज़रूर देखिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, हाँ, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत से लोगों को बताइए, हाँ, बहुत सारे लोगों को बताइए, सबकी डिमांड पूरी हो, अंदर से सबका मन होता है कि भाई हमारी छत हो, हमारी विरासत हाँ। बने। और गर्मी के दिन है, अपना बहुत ख्याल रखिए, लिक्विड डाइट पे रहिए, बढ़िया बढ़िया फल खाइए और खुश रहिए, जल्दी आइए विजिट करिए और बुक कराइए। शिल्पी मैम ठीक रहेगा? जी जी जी, आइए आप लोग कॉल करके एक बार विजिट जरूर कीजिए। मैं आपसे मिलती हूँ नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।